हेलो गाइस, टेक्निकल एंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको एक काफ़ी शानदार प्रोजेक्ट बनाकर दिखाऊंगा और वो भी इस मिट्टी का जो बर्तन आता है इसी से बनाकर दिखाऊंगा। ये एक दही का बर्तन था, 1 किलो दही का बर्तन, इसका दही खा लिए हैं, ये बर्तन पड़ा हुआ था, सोचे इसके प्रोजेक्ट बनाया जाए, तो आज मैं इसी से बनाऊंगा एक शानदार प्रोजेक्ट। वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिए, काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। इस टाइप का आप कोई सा भी मिट्टी का बर्तन यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास और एक है, ये एक टॉब है, इसके अंदर पौधा वगैरह लगाया जाता है मिट्टी डाल के, तो ये पौधा लगाने में यूज़ किया जाता है और ये दही बिठाने में यूज़ किया जाता है, तो मैं इस वाले बर्तन का यूज़ करूँगा। सबसे पहले गाइस, मटकी के ऊपर हमें कुछ मार्किंग लगाना है, तो मैं यहाँ पर एक स्केल ले लिया हूँ, इसको सीधा करके आपको रखना है इस टाइप से, और मार्कर से इधर एक मार्क लगा देना है और एक इधर, और सेम इसके ऑपोजिट साइड पर ये जो दो मार्किंग है इसके बीच में फिर से हमें स्केल को सीधा करके रखना है। तो गाइस, इसके ऊपर मैं टोटल 8 जगह पर मार्किंग लगा दिया हूँ। स्केल से आपको सीधा सीधा करके मेजरमेंट करके मार्क लगा देना है, और इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो मार्किंग है इसके सीधा करके लगभग यहाँ तक हमें जो है इसको कट लगाना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं कटिंग करके लेके आ चुका हूँ और इसे आप हैक्सो ब्लेड से आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको साइड में रख देता हूँ। इसके बाद गाइज, आपको लेना है माइका सीट, कुछ इस टाइप का आपको सीट ले लेना है, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप से मिल जाएगा। ये माइका सीट आपको सोल्डिंग आयरन के अंदर कॉयल जो लगा रहता है उसके अंदर ये माइका सीट देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं टोटल 4 पीस लेके आया हूँ इस साइज का, तो इसमें से 2 पीस को हमें इस टाइप से बराबर करके सेट कर लेना है। इसके बाद मिनी हैक्सो ब्लेड से आधा करके यहाँ पर कट लगा देना है। देखिए, दोनों में कट हो गया है, अब इसको अंदर इस टाइप से दोनों को फंसा देना है। इसके बाद हल्का सा ग्लू डाल देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मस्त चिपक गया है। अब इसको क्या करना है, इसका अंदर डाल देना है ये जो कटिंग किए थे हम। देखिए, मस्त फिटिंग हो चुका है। और बाकी जो हमने ये दो दो करके पीस रखा था उसको मैं आधा आधा करके 4 पीस बना लिया हूँ। इन सभी पीस को एक एक ग्रुप के अंदर डाल के चिपका देना है। अब ये जो एक्स्ट्रा माइका सीट निकला हुआ है इसको हमें काट कर बिल्कुल बराबर कर देना है। पहले तो मैं मार्किंग लगा लेता हूँ। कटिंग करने के लिए इसे बाहर निकाल लेता हूँ। पर गाइस, कटिंग करके इसको छोटा कर लिया हूँ और इसके सेंटर में हमने फेविक्विक लगाकर इसको चिपकाया था, लेकिन यहाँ पर फेविक्विक जो है ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस एमसील का यूज़ करूँगा। एमसील को फटाफट मिक्स करके इसके सेंटर में चिपका देता हूँ। तो कुछ इस टाइप से एमसी लगाकर बढ़िया से चिपका देना है और उसके बाद फिर से हमें इसको अंदर डाल देना है। इसके बाद गाइस, ये जो ग्रुप है यहाँ पर भी हमें एमसील डालकर पूरा ये माइका सीट को पैक करके चिपका देना है। गाइस, एमसील से बढ़िया से इसको चिपका दिया हूँ। अब सूखने के लिए इसको कुछ देर तक जो है छोड़ देना है। तो गाइस, काफ़ी टाइम हो चुका है और ये एकदम पत्थर के जैसा सूख चुका है एमसील। अब हमें इसको उठाने के लिए दोनों साइड पर हैंडल लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं लोहे का जो रॉड आता है पतला वाला साइकिल का स्पोक, उसी को मैं बेंड करके इस टाइप का डिज़ाइन बना दिया हूँ। इन दोनों को यहाँ पर फिक्स कर देंगे, और इसे फिक्स करने के लिए यहाँ पर मैं टीन के पत्ती से 2 क्लिप बनाया हूँ। इसे यहाँ पर इस टाइप से फिक्स होगा और ये यहाँ पर नट से टाइट कर देना है।
फाइनली दोनों हैंडल लग चुका है और देखिए मस्त इसको उठाकर ले जा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दो होल किया हूँ, ये क्यों किया हूँ ये अभी आपको मैं बताता हूँ। देखिए दो आपको देखिए दो इस टाइप का नट ले लेना है और इन दोनों होल में लगाकर टाइट करना है, और इसके साथ में इस टाइप का दो छोटे छोटे वायर को बेंड कर लेना है इस टाइप का। देखते रहिए आपको इजीली समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। तो चलिए इन दोनों को लगा देता हूँ। पहले वाशर डालना है, पहले गलत हो गया, पहले ये वाला वायर डालना है, इधर से जाएगा ये, उसके बाद वाशर, और फिर यहाँ पर ये फिट हो जाएगा और अंदर से लगा देना है नट को। हो गया टाइट, अब दूसरा को भी लगा देते हैं। दोनों नट को लगा दिया हूँ और इस टाइप से दो वायर को भी लगा दिया हूँ। अब गाइस हमें यहाँ पर और एक चीज़ लगाना है और वो है ये वाला चीज़। देखिए ये चीनी मिट्टी का बना हुआ है, ये भी आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप से ही मिल जाएगा। ये एक वायर कनेक्टर है इस टाइप का, तो ले लेना है इसको। और यहाँ पर इसको किधर से लगाना है, इधर से ये दोनों कनेक्शन पर दोनों वायर को लगा कर टाइट कर देना है। मस्त टाइट हो गया है। और ये वायर किस लिए लगाया हूँ ये पता चल गया इजीली कनेक्शन के लिए। बस अब ये थोड़ा सा हिल रहा है, इसको क्या करना है, ये बीच में देखिए एक होल दिया गया है, होल में भी हमें एक नट लगाकर इसे जो है यहाँ पर फिक्स करना है इसके साथ में। उसके बाद गाइस आपको एक हीटर कॉयल ले लेना है और ये मैं 1500 वाट का लेके आया हूँ। आप 1000 वाट का भी ले सकते हैं या फिर 2000 वाट का भी ले सकते हैं, जितना ज़्यादा वाट होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो मैं निकाल लेता हूँ फटाफट से, देखिए साफ निकल चुका है। और ये स्प्रिंग को आपको थोड़ा सा खींच लेना है इस टाइप से, स्प्रिंग तो नहीं है नाइक्रोम वायर है, तो थोड़ा सा खींच लेना है अपने हिसाब से। और मैं 2-3 बार इसको निकाल कर खींच लिया हूँ तब जाके इतना बड़ा, पहले तो छोटा था ये। अब गाइस इस कॉयल का ये जो दोनों सिरा है, इन दोनों सिरे को ये जो दोनों नट है यहाँ पर लगाकर टाइट कर देना है। तो यहाँ पर दोनों सिरे को बढ़िया से टाइट कर दिया और आपको फुल टाइट करना है, बिल्कुल भी ढीला नहीं रखना है, ज़्यादा वाट का है तो लोड काफ़ी ज़्यादा आएगा। और इसके बाद बिल्कुल इसको सेंटर में इस तरीके से पकड़ना है और इसके बाद धीरे धीरे करके जो माइका सीट है इसके ऊपर बिछा देना है। और कैसे करना है आपको देखिए, ये तो एक स्प्रिंग टाइप का बना हुआ है, देखिए जो स्प्रिंग है इसके बीच में जो गैप है उस गैप में ये माइका सीट को डालना है। देखिए ये अपने आप ऐसे फिट हो जाएगा, बस आपको बराबर करके इसमें बिछा देना है। देखिए कुछ इस टाइप से, ये पूरा इधर तक आके यहाँ तक आके जो है पूरा रुक गया। अब हमें क्या करना है, ये वाला फिर रिवर्स में ऐसे फैला के डाल देना है। देखिए मस्त फिटिंग हो चुका है, जैसा हीटर में रहता है सेम उसी टाइप से आपको डिज़ाइन बनाकर माइका सीट के ऊपर फिट कर देना है। ये अब बिल्कुल टाइट हो चुका है, गिरने वाला नहीं है, देखिए कॉयल बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। और जब ये पूरा हीट हो जाएगा तब ये अपने हिसाब से जो है डिज़ाइन बना लेगा और ये उसी शेप में बना रहेगा, बिल्कुल भी यहाँ से नहीं निकलेगा। तो अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर जो है कवर करना है जाली से, क्योंकि कोई हाथ वगैरह डाल सकता है यहाँ पर, तो जाली लगा देंगे तो फुल सेफ्टी हो जाएगा। तो जाली के लिए मैं इस वाले जाली का यूज़ करूँगा, ये लोहे का जाली है, यहाँ पर मैं एल्युमिनियम का जाली यूज़ करूँगा तो वो पिघल सकता है, तो इसलिए मैं लोहे का इस टाइप का जाली यूज़ कर रहा हूँ। ये आपको हार्डवेयर शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। तो इस जाली को हमें क्या करना है, इसके ऊपर इस टाइप से सेट करना है। तो ये तो काफ़ी बड़ा जाली है, इसको राउंड करके काट लेना है। अब गाइस इस जाली को रोकने के लिए ये जो साइड वाला एक्स्ट्रा जाली है इसको बेंड करके ये जो बीट आप देख रहे हैं इसके नीचे में सटा देना है। तो चारों ओर जैसे बेंड करके सटा देंगे तो ये जाली जो है परफेक्टली इसमें फिट हो जाएगा। तो चलिए मैं फटाफट इसको बेंड करके लगा लेता हूँ।
तो गाइस जाली हमारा मस्त इसमें फिटिंग हो चुका है। देखिए काफी मस्त फिटिंग हो चुका है। परमानेंटली आपको जाली को यहाँ पर फिक्स नहीं करना है, क्योंकि हमें अगर कॉयल चेंज करना होगा तो हम इस जाली को हटाकर कॉयल चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए जाली को आपको रख के बस साइड से मोड़ देना है। काफी मजबूती है, देखिए निकलेगा भी नहीं पूरा। मैं ऐसे उठा दूंगा फिर भी ये नहीं निकलेगा, तो काफी मजबूती से ये फिक्स हो चुका है। अब हमें एसी कॉर्ड इसमें फिक्स करना है कनेक्शन के लिए। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा हेवी गेज का कॉर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ये आयरन का कॉर्ड है, जो प्रेस करने वाला आयरन आता है उसी का कॉर्ड है। और इसमें देखिए ये कॉटन का कवर चढ़ा हुआ है, हीट के वजह से ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आपको थोड़ा सा हेवी गेज का ही वायर यूज़ करना है, क्योंकि ज़्यादा लोड आएगा यहाँ पर। तो फटाफट मैं कनेक्शन कर देता हूँ इसमें। गाइस एसी कॉर्ड का जो कनेक्शन है वो यहाँ पर कर दिया हूँ। और यहाँ पर देखिए एसी कॉर्ड का जो मेन दोनों वायर है वो इस नट से होते हुए अंदर कॉयल पे जा रहा है। तो ये नट बाहर खुला हुआ है, तो कोई अगर हाथ लगा देगा तो शॉक मार देगा उसको। तो यहाँ पर जो है हमें पूरा सील करना है। तो यहाँ पर सील करने के लिए सिंपली हम एम सील का यूज़ करेंगे। तो एम सील फटाफट लगा कर पैक कर देते हैं। गाइस यहाँ पर एमसी लगाकर दोनों नट को पूरा कवर कर दिया हूँ और इसको अभी छोड़ देता हूँ सूखने के लिए। तो गाइस काफ़ी टाइम हो चुका है और ये जो एमसी है ये मजबूती के साथ यहाँ पर पूरा चिपक गया है। और फाइनली हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये भी बनके कंप्लीट हो चुका है। अभी तक मैं आपको नहीं बताया हूँ इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है, आपको तो अंदाजा लग ही गया है इसका क्या नाम होने वाला है। ये एक ट्विन वन हीटर है, इसे आप मिनी चूल्हा के जैसा भी यूज़ कर सकते हो और रूम हीटर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी शानदार प्रोजेक्ट बना है, तो चलिए फटाफट इसको टेस्टिंग करके आपको दिखाते हैं। तो गाइस स्विच बोर्ड पे कनेक्ट कर दिया हूँ, अब स्विच को ऑन करने पर ये ऑन हो जाएगा। तो चलिए ऑन कर दिया हूँ। देखिए पहले जो है धीरे धीरे इसमें से धुआं निकलेगा, करने का कोई बात नहीं है। धीरे धीरे धुआं निकलने के बाद इसमें से धुआं जो है पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए अभी पूरा धुआं नहीं निकल रहा है। और यहाँ पर देखिए पूरा जो कॉयल है वो पूरा हीट हो चुका है और काफ़ी मस्त यहाँ से गर्मी निकल रहा है। इस तरीके से आप इसमें जो है हाथ भी सेक सकते हो, ठंडी का मौसम चल रहा है, मस्त हीटर के जैसा भी ये काम करेगा। और इसमें आप पानी वगैरह गर्म कर सकते हो काफ़ी आसानी से। देखिए काफ़ी ज़्यादा रेड हो चुका है, इसका जो टेम्परेचर है वो मीटर से चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए आप इसका कलर देख के आपको टेम्परेचर का पता लग जाएगा, मस्त गर्मी निकल रहा है। अब चलिए आपको पानी गर्म करके दिखाता हूँ। और एक बात गाइस, देखिए ये नीचे जो है मिट्टी का बर्तन है, ये पूरा स्टेबल के साथ जो है टच है। तो इसमें आपको क्या करना है, एक पेंट का जो डब्बा आता है उसका पीछे वाला ढक्कन को काट लेना है और ये देखिए इसको उठाकर इसके ऊपर रख लेना है। ऐसे जो है नीचे का जो फर्श है वो ख़राब नहीं होगा, हीट नहीं होगा, ऐसे ये रहेगा। और यहाँ पर देखिए आप पकड़ के इसको उठाकर कहीं पर भी इसको ले जा सकते हो, मस्त हैंडल भी बना है इसमें। तो गाइस कटोरी में मैं पानी भर के लेके आ चुका हूँ और इसको चढ़ा देता हूँ। देखिए सॉग भी नहीं लगेगा, ये जाली में सॉग भी नहीं लगेगा और ये तो पूरा गर्म हो जाएगा। अभी छोड़ देते हैं कुछ देर तक इसको गर्म होने के लिए। मस्त पानी भी गर्म होगा और बैठ के हाथ भी सेक सकते हैं इसमें। तो गाइस देखिए काफ़ी जल्दी पानी जो है गर्म हो चुका है, पानी से यहाँ पर भाप भी निकलना स्टार्ट हो चुका है और इसी से आपको अंदाजा लग गया है पानी कितना ज़्यादा गर्म हो चुका है। चलिए इस पानी को मैं अभी नीचे उतार देता हूँ। गाइस आप इसमें जो है चाय वगैरह आसानी से बना सकते हो, रूम हीटर के जैसा भी इसको यूज़ कर सकता हूँ, मस्त ठंडी में हाथ भी सेक सकता हूँ। तो गाइस ये चूल्हा विथ रूम हीटर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पर। We'll be right back.